मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के डुगरपुरा गांव में पंचायत द्वारा एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया गया। यहां पर पंचों द्वारा 4 माह पहले बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसे पंचों ने पंचायत बिठाते हुए नेता के शुद्धिकरण के लिए भंडारा करने का तुगलकी फरमान सुना दिया। वहीं यहां शुद्धिकरण इसलिए कराना होगा क्योंकि पीड़िता आरोपी के मुकाबले उच्च जाति की है। वहीं जब तक पीड़िता के परिजन समाज और गाँव के लोगों को भंडारा नहीं दे देते, तब तक उनका पूरे गाँव से रिश्ता खत्म दिया जाएगा। डुगरपुर गांव में 17 साल की किशोरी के साथ गांव के ही सियाराम ने 4 माह पहले दुष्कर्म किया था। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का समाज आरोपी से और बड़ा निकला। उसने लड़की के शुद्धिकरण के नाम पर तुगलकी फरमान सुनाते हुए पूरे गांव को भंडारा कराने के लिए कहा। इस फैसले से पंचनामा तैयार किया गया। इस पर पीड़िता के माता पिता से भी हस्ताक्षर करवाए गए। वह पीड़िता का परिवार काफी गरीब है और भंडारा कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए गांव के द्वारा परिवार का बहिष्कार कर दिया गया और उनको गांव से बेदखल कर दिया। उनके परिवार में एक आयोजन अभी हुआ था, जिसमें गांव के व्यक्तियों द्वारा बहिष्कार करते हुए उस आयोजन में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। राजगढ़ से हरिजन, अब उसने कोई भी घटना कर दी, स्कूल वाले भी गवाह है उसमें, उसे समझाया था भी, उसने नहीं मानी। जो भी घटना की वो अब मैं झूठा पड़ लिया उसमें, क्यों कि तेरे साथ नहीं हुई, पूरा गांव का एक तरफ है, मुझे एक तरफ कर रहा था, किसी के साथ में ये कोई भी गलत काम हुआ इसके कारण वो नहीं बता रहा, नोते पनोते गांव वाले। क्या हुआ था बच्चे के साथ, बताओ ना घटना। अब मैं भी काम पे था, मुझे घर के ने बताया कि तेरी बच्ची के साथ ये हुआ, तो मैं आया तो मुझे बच्ची नहीं मिली। ये एक नौ जनवरी को एक रिपोर्ट आई थी नरसिंहगढ़ थाने में, जिसमें डुगरपुर गांव की एक नाबालिग बच्ची थी, उसने रिपोर्ट की थी किसी एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार के साथ जगह अपराध किया है। इसमें एक महीने के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तारी और चालानी कार्रवाई भी कर दी थी, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। अभी इसमें एक इशू संज्ञान में ये आया है कि गांव की जो पंचायत है उसने इस तरह का कुछ फैसला लिया है कि इन लोगों को कुछ भंडारा वगैरह कराना पड़ेगा। इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है और जो गांव है वहां पर थाना प्रभारी SDOP SDM तहसीलदार और जो महिला बाल विकास अधिकारी है, इनकी एक ज्वाइंट टीम निरीक्षण के लिए जा रही है और जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 4 महीने पहले डुंगापुरा की एक बेटी के साथ में इस तरह की घटना हुई, जिसमें आरोपी पर कार्रवाई हुई, उसको गिरफ्तार भी किया गया, उस पर मतलब जो नियमानुसार पुलिस की दांडिक कार्रवाई होती है वो हो रही है। मगर इसी बीच जो इनकी पंचायत है और समाज जन है, उन लोगों ने एक बैठक बुलाई और उसमें ये निर्णय सुनाया कि चूँकि पीड़िता का बलात्कार उससे उच्च नीची जाति के कम जाति के लड़के द्वारा हुआ, इसलिए ये मतलब बलात्कार तो ठीक है हुआ ही, मगर ये एक बहुत सामाजिक रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है और इसके लिए अब इसके माता पिता को कुछ खर्च करना पड़ेगा, भंडारा करना पड़ेगा, मांसाहारी खाना खिलाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इनके घर परिवार से इनके जो बेटी के माता पिता और अन्य परिवारजन है उनसे हम सामाजिक या कोई रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे यदि ये इस तरह की कोई पश्चाताप के रूप में इस तरह से भंडारा वगैरह करेंगे। तो ये बहुत एक शर्मनाक घटना है राजगढ़ जिले के लिए नहीं बल्कि एक बेटी के लिए, एक समाज के लिए। जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, इसमें मैंने महिला बाल विकास के अधिकारी को निर्देशित किया है कि गांव में जाकर के लोगों को समझाए कि एक तो उसकी लड़की के साथ में गलत हुआ है, समाज वालों को साथ में उसके होना चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए, जबकि इस तरह का लोग कर रहे हैं वहाँ पर तो सामाजिक कुरीति है कि इस तरह वो कर रहे हैं। तो मैंने महिला बाल विकास को बोला है कि आज गांव में जाकर के इस बात को देखेंगे कि क्या है वहाँ पर। विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।